सोचिए कि फरवरी की 28 तारीख सन 2022 साबिक वजीर आजम साहब ने एक बहुत बड़ा सियासी ऐलान किया था टेलीविजन के ऊपर आकर। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जबकि उनकी अपनी हुकूमत वादा कर चुकी थी आईएमएफ के साथ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। उस सियासी फैसले का इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा 23 करोड़ पाकिस्तानियों को कि अभी तक हम वो नुकसान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं।